किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त बदन सिंह राजपूत एक बार फिर अपने कृषि चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में कि मटर की उन्नत खेती कैसे की जाए और मटर का कौन सा अच्छा बीज रहता है, कितने दिनों में होती है, अगर आप अगेती करते हैं तो कितना फ़ायदा है या टाइम वाली करते हैं तो कितना फ़ायदा है। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना हमारे दर्शकों को नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र, भोपालपुर से। अच्छा तो धर्मेंद्र जी, आपने ये जी कौन सी मटर लगाई है, सबसे पहले बीज का नाम आप बताएं। इटालियन टू है ये, इसे इटालियन टू कहते हैं। अच्छा, इटालियन टू कहते हैं, जो जीटन में ही एक वैरायटी होती है। अच्छा, जीटन में ही एक वैरायटी है इटालियन टू। तो इसकी मतलब ये कितने मतलब इसका समय है? इसका समय है 3 से 3.25 महीने का। अच्छा, 3 से 3.25 महीने का। और अगर लागत की बात करें तो इसमें कितनी लागत आ जाती है और एक एकड़ में यानी 5 बीघा में कितना बीज पड़ जाता है? सामने देख के सर, 5 बीघा में 10 किलो 8 किलो बीघा के हिसाब से इसकी बुआई होती है। उसमें 10 किलो बीघा के हिसाब से डीएपी लगा दो, डीएपी और एक पानी की मतलब एक पानी लगता है सिंचाई में, मतलब एक ही पानी में, एक ही पानी में। जब पानी बीज जब लगता है इस पर मतलब फूल फल आने लगता है तब। अच्छा, ये इटालियन टू है, ये काफी लंबी इसकी फली है, देखी है। इस पैदावार भी 10 से 11 दाने होते हैं इसमें। अच्छा, 9 से 10 11 काफी अच्छी फली है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके दाने काफी, इसके दाने अच्छे हैं इटालियन टू। तो इसमें और क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या होगा तो इसके साथ साथ, और सबसे पहला बात यह है कि जब आप ये सिंचाई बता रहे तो कितने टाइम में सिंचाई करनी पड़ती है, कौन सी अवस्था में इसकी सिंचाई? सिंचाई लगभग इसकी होती है 2.5 महीने बाद, यानी फूल की फल फूल 2.5 महीने पर ही आने लगता है। अच्छा, मतलब फल फूल की अवस्था के बाद, फल फूल आने के बाद, फूल आने के बाद 15-20 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, तो इसका उत्पादन कितना रहता है? इसका उत्पादन हो जाता है कम से कम बोरी के हिसाब से बताऊंगा। हाँ, बोरी आप बोरी के हिसाब से बता दीजिए। 25 बोरी के बीघा के हिसाब से कम से कम हो जाती है। 20-25 बोरी आराम से। और इसमें रोग कौन से देखने को मिलते हैं ज्यादातर? ऐसे रोग तो इसमें कुछ नहीं आता है, दीमक कभी कभी आने का चांस रहता है जब सूखट ज्यादा होती है, तो इसमें पानी ज्यादा भी नहीं लगा सकते, पानी ज्यादा लगाएंगे तो ये बेकार हो जाएगी। सिंचाई ज्यादा करेंगे, बार बार करेंगे पाला पड़ जाता है। सिंचाई हल्की होनी चाहिए, हल्की मात्रा में ही होनी चाहिए। चाहो तो इसका छिड़काव कर सकते हैं आप, हम उससे स्प्रिंकलर से या फिर और किसी विधि से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर ना सुविधा हो तो इसकी हम सिंचाई कर सकते हैं। अगर छिड़काव की सुविधा नहीं है तो आप इसको नाली द्वारा पानी इसमें दें, लेकिन वो भी आपको हल्का देना पड़ेगा। ज्यादा लग जाता है वहाँ खराब होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बीज की बीज जैसे कि आपको अगर ये इसी का बीज बनाना है तो ये फिर क्या इसकी प्रक्रिया है? पका लो। जैसे कुछ लोग तो क्या कोल्ड में रख देते हैं। कुछ लोग इसको सुविधा नहीं है, वो घर पे ऐसे तरीके से दवा हवा लगा के रख देते हैं, खराब होता है। तो 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मशीन द्वारा बुआई सही रहती है या फिर मैनुअली बुआई? मशीन द्वारा ही सही रहती है, उसे बीज की मात्रा सही मतलब अनुमान। तो अभी इसका रेट, ये आपकी अगेती है मान लीजिए, तो इसका जो रेट है वो मार्केट में क्या है? अभी तो थोड़ा सस्ता हो गया है, अच्छा चल रहा था 35 से 35 किलो के हिसाब से, यानी 3,000-3,350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अगर यही अगेती आपके समय से, और काफी अच्छा ये बीज है, बात करेंगे। आप ये बीज देखें, ये इसका दाना है। और क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी, कोई वैसी महत्वपूर्ण बात हो जो कि आप बता सकें? वैसे कोई सावधानियां नहीं होती है, बस ज्यादातर सावधानियां बरतनी है गाय वगैरह जानवरों की सावधानियां, इसमें कोई ज्यादा लागत कम है, लागत कम है, क्योंकि ये है कि मतलब एक बार सिंचाई होनी होती है, एक बार ज्यादा करते हो तो यूरिया की मात्रा ज्यादा 5 किलो बीघा की लगा सकते हो, सबसे ज्यादा लगाने। तो यूरिया कितनी बार देनी है आपको? एक बार सिर्फ फल फ्रूट आने पर यूरिया देनी है, उसके बाद कुछ नहीं देना है आपको? या फिर जब हम इसकी नराई करेंगे तब पकड़ेंगे, तब नराई कर लो, या फिर उस फ्रूट आने पर। तो नराई कितने मतलब कितनी बार इसकी नराई करनी पड़ती है? एक बार इसकी नराई करनी है। तो एक बोरी में लगभग कितने किलोग्राम
आपकी ये मटर आ जाती है तो 45 से 50 किलो आ जाएगी। 45 से 50 किलो भरने के ऊपर है, कैसे भर पाते हैं, 50 से ऊपर भी निकल जाती है। मतलब ये अन्य अन्य के एवरेज लगा लो तो 45 से 50 किलो, कोई बोरी कम हो जाती है, कोई ज़्यादा हो जाती है। मतलब अन्य अगर अगर आप ये इसकी कह रहे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसकी फली जो है वो काफी लंबी है। हाँ, इटालियन टू में एक ही खास खूबी होती है, इसकी फली बहुत लंबी काफी लंबी है, लंबी आती है। जो वैरायटी जीटन होती है वो थोड़ी छोटी होती है। जब फली लंबी है तो वजन ज्यादा होगा। इटालियन टू, इटालियन टू यानी जो जीटन में ही इसकी एक वैरायटी है, इसमें खास बात यह है कि इसकी फली जो है वो काफी अच्छी है, बड़ी फली है। यानी जब बड़ी फली होगी तो दाने ज्यादा होंगे, दाने ज्यादा होंगे तो भैया उत्पादन अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।